That's the walk-in closet. और ये है हमारा बिस्तर. है ना रोमांटिक? पता है बाथरूम में क्या क्या है? जाना चाहोगी? सोना, स्टीम, जकूजी. देखा? है ना रोमांटिक? एक बात बताना भावेश, तुम यहाँ पहले किसी के साथ आकर रह चुके हो क्या? नहीं तो? तो फिर तुम्हें कैसे पता कि इस रूम में क्या कहाँ पे है? वो नेट पर बुकिंग करते वक्त मैंने ब्रोशर देखा था ना. भावेश, कहीं तो प्राची, मैं क्यों आने लगा इस हनीमून स्वीट में? तुम ही तो मेरी पहली शादी, मेरी पहली किस, मेरा पहला प्यार तुम ही तो हो. अब बिस्तर पर भी आज ही तो कूदा हो ना मैं. ओके बाबा, इतनी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. मालकिन कहाँ है? सो रही है. अकेले काम कर रहे हो? तेरा तो पहले ही अच्छा था. पहले खुद के लिए खाना बनाना पड़ता था, अब तुझे दो दो लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है. इससे तो अच्छा किसी को पेइंग गेस्ट रख लेता, दो पैसे तो मिल जाते. हाँ हाँ, वेरी फनी यार. नई नई शादी हुई है, काम करवाना ठीक नहीं लगता. धीरे धीरे खुद करने लगेगी. ऐसा ना हो काम नहीं करने की आदत पड़ जाए. तू इन लड़कियों को नहीं जानता. आई डोंट नीड योर एडवाइस. क्या बताऊँ यार, मेरा तो मन ही ऐसा है. मैं जानता हूँ कैसा है. एनीवे मैं नहाने जा रहा हूँ, हेल्प योरसेल्फ. ये जो पुरानी दोस्ती होती है ना, इसमें खुद ही चाय पूछ के खुद ही बनानी पड़ती है. अरे राजकुमारी जी आइए. अभी नौकर नाश्ता बना के नाना नाना करने गया. इसका मुंह देख लिया सुबह सुबह, बहुत खराब दिन जाएगा. तुम्हारी शक्ल देख के लॉटरी नहीं लगने वाली मेरी. घबराहट हो रही है पहली दफा कि अदालत के बाहर रिश्वत लेते हुए पकड़ा ना जाऊं. ये लो, तुम्हारी शादी में आ नहीं पाया ना, इसलिए गिफ्ट लाया हूं. और तमीज से पेश आना, बहुत खास तोहफा है ये. क्या खास है इसमें? क्या है ना, जब शादी होती है ना तो शुरू शुरू में इंसान को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े दिन बाद जब अनबन होती है ना, अलग होने की बारी आती है ना, तो चीजों का बंटवारा होने लगता है. और बंटवारे में सबसे ज्यादा बदतमीजी से लोग पेश आते हैं तस्वीरों के साथ. उसे लोग बीच से फाड़ डालते हैं ना, आई डोंट लाइक इट. इसलिए तुम्हें एक ऐसा फ्रेम ला के दिया है जो क्लिक करके खुल जाता है. तुम्हारी तस्वीर तुम्हारे पास, उसकी तस्वीर उसके पास, तुम भी खुश, वो भी खुश, हम भी खुश. कितने अच्छे दोस्त हो ना करण के. शादी के गिफ्ट के साथ डिवोर्स का अरेंजमेंट करा दिया. मैं क्या करूं, मेरा तो मन ही ऐसा है. मुझे पता है कैसा है. नहीं, क्या है, मुझे होने वाली चीजों का अंदाजा हो जाता है. जिस तरह से तुम्हारा बर्ताव चल रहा है ना करण के साथ, हो सकता है तुम लोग का डाइवोर्स हो. व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? आई एम ट्राइंग टू से कि एक आदमी सुबह उठता है, नाश्ता बनाता है, दिन भर जाता है, ऑफिस में काम करता है, शाम को आता है, दो आदमी का खाना बनाता है, कपड़े धोता है, पोछा मारता है, बेडरूम में जाता है, डबल में रहता है. तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं उसके बारे में? आखिर तुम्हें भी उसके घर के काम में मदद करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए. समझी? समझ गई. फॉर्मूला नंबर 153. लड़कियों को सेड्यूस करना हो तो व्हाइट वनीला कैंडल्स पूरे रूम में सजाओ. फॉर्मूला 154. पूरे रूम में खुशबू वाले सफेद फूल, उनसे लड़कियों में सेंसुअलिटी जागती है. हाय 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 हाय. फॉर्मूला 155. सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक जिसमें वायलिन ज्यादा हो, उससे इमोशंस जाग जाते हैं. भावेश, अंदर सो गए क्या? नहीं, इतने बरसों बाद आज ही तो जागा हूं. वायलिन, कैंडल्स, वो भी वनीला, सफेद फूल, मेरी आंखों में धूल. What a fool! Prachi! है ना romantic? ये formula तो मेरी diary में भी नहीं है. इसको ये सब कैसे पता है? अरे बात क्या है बताओ. सरप्राइज डार्लिंग. ओके, वाओ. करण, टब में गर्म पानी भर दिया है, तुम्हारा नाइट सूट आयन करके बेडरूम में रखा है, तुम फ्रेश होके आ जाओ, डिनर सर्व हो जाएगा. खुश? खुश? मुझे इतना बुरा लग रहा है कि इन डेलिकेट हाथों से तुमने इतना काम किया. ये मैंने नहीं,
समांथा ने किया है। समांथा कौन है? हमारी नई मेड। क्या? हेलो सर। हेलो। इनकी असिस्टेंट भी है। ओह, इन दोनों की सैलरी भी मोटी होगी। क्यों, क्या हो गया? एक काम वाली रखी है, वो भी असिस्टेंट के साथ। पूरे एक महीने की सैलरी ले जा रही है। एक दिन में इन्हें रखूंगा तो मुझे खुद पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा। अरे कैसी बहकी बकवास कर रहा है। ऑफिस में 18 घंटे काम करेगा तभी तो घर के काम से बच पाएगा ना। मैं सारे काम करूंगा मगर तू संजना को कभी मत समझाना, समझे? फ्री की एडवाइस की कोई कदर नहीं रही है। उठो ना भावे।